લક્ષ્મીભાઈ ભટનાજીની તરફથી આવ્યા છે અને આપણી પાંચ મેમ્બર છે. એમને કીધું એકવાર તમારું શરૂઆત થાય તમે બીજા મેમ્બર લેતા જાઓ. ડાયાલિસિસ મશીનના ઘણા બધા નામ આવી ગયા છે, યોગ્ય સમયે અમે લોકો એ જાહેરાત કરી દઈશું. અને અમે અત્યારે ડે નાઇટ વર્કિંગ કરીએ છીએ. આ પ્રોગ્રામ ખતમ થાય એના પછી ખાલી ડાયાલિસિસ સેન્ટર પર ફોકસ કરીએ છીએ. અને જેટલી જલ્દી તમે થોડી ઓલી કાલી ઓલી બધાની પ્રજાને એનો બેનિફિટ देखिए, मैं एक सांसद के नाते मातोश्री जयाबेन हिम्मतला शाह चैरिटेबल ट्रस्ट, मालतीबेन लालतीभाई गांधी परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट और योगेश भाई लखानी राइट एडवर्टाइजिंग के माध्यम से यहाँ पर चीकूवाड़ी में हर साल जरूरतमंद लोगों को नोटबुक का वितरण किया जाता है, चश्मा का वितरण किया जाता है, ब्लड डोनेशन का कैंप किया जाता है और बहुत सारे लोक उपयोगी काम ये संस्था ये करती है. और इस साल में खुशी की ये बात है कि धानुकरवाड़ी में आने वाले दिनों में एक 25 बेड का डायलिसिस सेंटर का भी ये शुभारंभ करने जा रहे हैं. एक छोटी सी संस्था थोड़े ही दिनों में इतना बड़ा काम करते हुए मैंने 25-26 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार देख रहा हूँ. इसलिए इनके कार्यक्रम में हर साल मैं आता हूँ. भावेश भाई और उनकी पूरी टीम बहुत ही लगन से काम करते हैं, युवाओं की एक टीम है और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के सभी युवा जो है वो साथ में आकर समाज के लिए काम करेंगे तो हमारा जो देश है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा. ज़रूरतमंद लोगों को जो जो आवश्यकता है वो हम समय पर उनको दे पाएंगे. इतनी बड़ी ताकत सेवाभावी संस्थाओं में होता है ये देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलता है. ये बहुत ही खुशी की बात है. योगी जी क्या कहना चाहिए आप, गोपाल जी भी हैं और आप भी हैं, इस चैरिटी के बारे में क्या कहना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोपाल जी के लिए थैंक यू वेरी मच कि इतना अमूल्य समय निकल के आए. और ये चैरिटी में मेरा कुछ नहीं है, जो है वो भावेश भाई और उनका टीम का है. सिर्फ पैसा देना कुछ नहीं होता है, मेहनत करना, मैनेजमेंट करना. सुबह में 3 रात से लोग जाग रहे हैं, 400 जन का अनाज का जो पैकेट है वो पैकिंग कर रहे हैं, बुक्स जो बांट रहे हैं, जो इतना बड़ा आयोजन किया है. तो मैं मातोश्री जयाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट, भावेश भाई, उनके डैडी और उनके ट्रस्टी और उनके मेंबर, उनका शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाए. और मेरा इसमें कुछ भी महत्व नहीं है जितना एक भावेश भाई का. भावेश जी के डैडी आप, सर क्या कहना चाहेंगे आप अगर इसके बारे में? कब से आपने शुरुआत की इसकी? इससे शुरुआत की, ये तो योग की बात है. बाकी जो अपन कमाते समाज से कमाते समाज को वापस देना चाहिए, इसी उद्देश्य से मेरे लड़के ने ये छोटे पाये में 2010 के अंदर से स्टार्ट किया. और जनता के सहयोग, कार्यकर्ता के सहयोग और आप लोगों के सहयोग से संस्था आगे बढ़ रही है. और कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ में जी? पॉलिटिकल का तो हमारे गोपाल भाई है सिर्फ, हमारे कोई मतलब ही नहीं पॉलिटिकल से. हमारे तो कार्यकर्ता है, वही सब काम करते हैं. इतनी बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई भी काम हमारा रुकता नहीं है, तकलीफ नहीं पड़ती है. और हमारे साथ में योगेश भाई भी आ चुके हैं, मालती बहन भी है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं. हमारा कुछ भी नहीं, हम तो होता है उतना कर रहे जाते हैं. क्या क्या डोनेट करते हैं बताइए आप? आपका नाम? भावेश हिम्मतलाल शाह. भावेश जी बात करेंगे, कब से आप शुरुआत की आपने और कैसे जहन में आया कि ये चीज़ करनी चाहिए? इतनी महंगाई के दौर में जो सरकार नहीं कर पाई वो काम आपने कर दिखाया, क्या? सर सरकार तो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हम लोगों ने काफ़ी छोटा काम शुरुआत किया है. और 2010 में हम लोगों ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट किया था, क्योंकि यही दौर से हम लोग गुजरे हुए हैं. हम लोगों को भी बहुत मेहनत करना पड़ा था. बॉम्बे में 500 रुपये लेके आए थे और हर महीने यानी जो इंस्टॉलमेंट के चेक थे वो भी रिटर्न होते थे, उसके लिए मेहनत करते थे. ये सोच के हम लोगों ने कहा कि हम लोग खुद भी कुछ लोगों के लिए करें और ग्रेजुअली सब लोग हमारे साथ ज्वाइंट होते गए और आज हम लोगों के पास 100 लोगों का वॉलंटियर का पूरा ग्रुप बन गया है. कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ में? जैसे कि शुरुआत की थी आपने, काफिला बनता गया, कितने लोग जुड़ गए आपसे? सर अभी हम लोगों के पास 100 लोगों वॉलंटियर का पूरा ग्रुप है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. सभी यंग टीम है, सीनियर सिटीजन का टीम है, मिडिल एज, हाँ सभी चैरिटी बेस पे करते हैं और वॉलंटियर करते हैं. लोग किसी को बुलाना नहीं पड़ता है या किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ता है, अपने हिसाब से खुद के हिसाब से आ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं. आपको लगता है ये चीज़ आपको इंडिया लेवल या वर्ल्ड लेवल तक जाएगी, आपको लगता है? सर ऐसे ही हम लोग काम करते जाएंगे, आगे का तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नीडी लोगों तक पहुँचे, ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और उन लोगों को जो बेसिक नीड की ज़रूरत पड़ती है. हम लोगों ने देखा है बच्चे 500 रुपये के लिए भी तकलीफ में आ जाते हैं, स्कूल फीस नहीं भर पाते, तो नई नई एक्टिविटी करके हम लोग उन तक पहुंचना चाह रहे हैं. इस बार भी हम लोग 108 फैमिली को बच्चों को स्कूल का फीस का पैसा दे रहे हैं. कोई आपसे
आपसे अगर जुड़ना चाहे, कोई आपका दान की कोई रकम नहीं होती है, सुना जाए तो कैसे आपसे जुड़े? सर, हम लोगों का NGO रजिस्टर्ड है ADG के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। अगर किसी को भी ज्वाइन होना है तो हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर डिटेल दिया हुआ है, लैंडलाइन नंबर है, ऑफिस स्टाफ है जो आप लोगों को पूरा गाइड करते हैं, और एनी टाइम एक सैटरडे को आप ज्वाइन होइए, ऑटोमेटिकली आपका आगे का काम हो जाएगा क्लियर। आगे फ्यूचर प्लान क्या है आप? सर, फ्यूचर प्लान सबसे बड़ा अभी हम लोग लेके आ रहे हैं डायलिसिस सेंटर जो कांदीवली धानुकरवाड़ी में आएगा, वहाँ पर हम लोग एक पूरा फ्लोर लिया हुआ है, और जो मेट्रो स्टेशन के पास में है, कांदीवली स्टेशन के पास में है, उसमें हम लोग 25 बेड इनिशियली फर्स्ट फेज में हॉस्पिटल चालू करना चाह रहे हैं। करीबन 5 लाख डायलिसिस हो जाएंगे उसके अंदर, एक बार 45 बेड हो जाएंगे तो 4 से 5 साल जो मशीन का नॉर्मल ड्यूरेशन है उसके अंदर हम लोग 5 लाख ऑपरेशन करना चाह रहे हैं पब्लिक का, जो हम लोग कंसेशनल रेट से देंगे। उसी हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मास्यूटिकल्स का दुकान है, उसी हॉस्पिटल के अंदर हम लोग एक पैथोलॉजी लैब डाल रहे हैं जो कंसेशनल रेट से सभी कुछ एक्टिविटी करके देंगे। શું બોલો તમે? માતુશ્રી જયાબેન હિંમતલા છે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ માં, કેટલા વર્ષથી આવો છો અહીંયા? 2 વર્ષ, દો સાલ થી રેગ્યુલર યહાં પે અનાજ લેને કે લિયે આતે લાઈન લગા કે ખડે રહેતે હૈ, ઓર ઉનકા, તમારી ઉમર કેટલી? 75 સાલ હૈ ઇનકા ઉમર, લેકિન હર સાલ 2 સાલ થી યહાં પે અનાજ લેને આતે લાઈન મે ખડે, કેવું લાગે છે અનાજ નું કામ? અનાજ તો હારું છે ભાઈ, કેવું અનાજ આવે છે? સારું આપે છે ને બધું? કોણ કોણ આપકે घर में? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, भगवान और मैं। सौरभ भाई के कोई बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चा नहीं है, मर्द चले गया, 10 बरस हो गया। केवू काम करे जे भावेश भाई टीम, केवू काम करे? सारू काम करे, सारू आटलू पुण्य नो काम करे, भगवान ने सुखी राखे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, जो बुक मिली आपको इसमें डिस्काउंट मिलके क्या बोलना, क्या कहना चाहेंगे? अरे कुछ नहीं अंकल, बस बुक मिला, जो गरीब लोग उसको बहुत काम में आएगा बस। कितने में मिला आपको ये? 100 रुपये डजन। 100 रुपये में कितना? 12 बुक। क्या कहना चाहेंगे, जो आज आप टेस्ट करा रहे हैं, फ्री हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? फ्री हो रही है बराबर, थोड़ा सपोर्टिंग है, लेकिन वो जो नंबर है ना उसमें लाइटली 25 सगा लाइट दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज आप लोगों की जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए आप ના તમારો આભાર માનીએ છીએ, અમારા નાના માણસને તમે બધી રીતના અનાજ પાણીમાં, આ દવા દારૂમાં, બધી રીતના ટ્રીટમેન્ટમાં હેલ્પ કરો છો, આપનો આભાર। आपकी बात सही है, जैसे ये है छोटी एज की है, जस्ट 16 साल की लड़की है, एंड शी इज अ डायबिटिक पेशेंट टाइप 1 पेशेंट। जो डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट है, इतनी छोटी एज में जनरली डायबिटीज आती नहीं है, और ये एज में उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी चेक करनी बहुत ज़रूरी है, जो आज के कैंप के माध्यम से उसको पता नहीं था, तो आज पता चला कि उसको डायबिटिक रेटिना चेक कराना बहुत ज़रूरी है। चला कि आइस के पर्दे के पीछे डायबिटीज़ की असर होती है, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि हर हफ्ते चेक कराना चाहिए, हर महीने चेक कराना चाहिए, ईयरली चेक करवाना चाहिए। आपको क्या लगा, आपने ऐसे ही चेक कराया, चलो जाके चेक करा? नहीं नहीं, जस्ट मुझे ऐसा लगा, मेरा सर दर्द हो रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद चश्मा है, इसलिए मैंने जस्ट नॉर्मल चेक के लिए मैं इधर आई थी।